सूरतगढ़ सीएचसी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर नसबंदी करवाना पड़ा है भारी। सूरतगढ़ सीएचसी में नसबंदी करवाना पड़ा है भारी। ऑपरेशन के दौरान दो महिलाओं की हुई है मौत। डॉक्टर दर्शन सिंह के नेतृत्व में कल लगाया गया था शिविर, 8 महिलाओं की नसबंदी की गई थी। मृतक महिलाओं के परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। सीएचसी के प्रभारी भी हैं डॉक्टर दर्शन सिंह। सीएचसी के प्रभारी हैं डॉक्टर दर्शन सिंह। सूरतगढ़ सीएचसी में नसबंदी करवाना पड़ा है भारी। ऑपरेशन के दौरान दो महिलाओं की हुई मौत। डॉक्टर दर्शन सिंह के नेतृत्व में कल लगाया गया था शिविर, 8 महिलाओं की नसबंदी की गई थी, जहां अब मृतक महिलाओं के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएचसी के प्रभारी भी हैं डॉक्टर दर्शन सिंह। सूरतगढ़ सीएचसी में नसबंदी करवाना पड़ा भारी। ऑपरेशन के दौरान दो महिलाओं की हुई मौत। आठ महिलाओं की नसबंदी की गई थी, जिसमें अब दो महिलाओं की मौत हो गई है। मृतक महिलाओं के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएचसी के प्रभारी भी हैं डॉक्टर दर्शन सिंह। सूरतगढ़ सीएचसी में नसबंदी करवाना पड़ा भारी। ऑपरेशन के दौरान दो महिलाओं की हुई मौत। डॉक्टर दर्शन सिंह के नेतृत्व में कल लगाया गया था शिविर, 8 महिलाओं की नसबंदी की गई थी, अब लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से। सीएचसी के प्रभारी भी हैं डॉक्टर दर्शन सिंह, जहां अब सीएचसी में नसबंदी करवाना भारी पड़ गया। दो महिलाओं को, जिनकी ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, परिजनों ने आरोप लगाया है लापरवाही का। डॉक्टर दर्शन सिंह के नेतृत्व में कल ही शिविर लगाया गया था, जहां 8 महिलाओं की नसबंदी की गई थी, अब मृतक महिलाओं के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। सूरतगढ़ सीएचसी में नसबंदी कराना पड़ा है महंगा। और सुनील सिहाग हमारे शो की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी है? 8 महिलाओं की नसबंदी कराई गई थी, 2 की मौत हो गई है, क्या लापरवाही की बात हो रही है और बाकी 6 महिलाओं की क्या स्थिति बनी हुई है, ये भी जानने वाली बात है। बिल्कुल खुशबू, ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला बिल्कुल सामने दिख रहा है। सूरतगढ़ सीएचसी के अंदर कैंप लगाया गया था नसबंदी के लिए, और नसबंदी करीब 8 महिलाओं की नसबंदी वहां हुई, और 2 महिलाओं की नसबंदी करने के बाद थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ गई, और बिगड़ने के बाद दो या तीन घंटों में उनकी मौत हो गई। अभी जो परिजन है वो डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप ये है कि जो नसबंदी की गई वह कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं की गई, और जो डॉक्टर खुद थे वो वहां पे मौजूद नहीं थे, किसी और ने नसबंदी की, इसके चलते लापरवाही के चलते ही हमारे 2 महिलाओं की मौत हुई है। फिलहाल परिजन और काफी संख्या में लोग हैं वो सीएचसी सूरतगढ़ के अंदर वहां पे मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही खुशबू कहा जा सकता है कि दो माओ को यहाँ पे डॉक्टर ने कहे, डॉक्टर है जो भगवान का रूप होते हैं, जो लापरवाही करके 2 महिलाओं की जान यहाँ पे चली गई है। इसमें डॉक्टर दर्शन सिंह का क्या कुछ कहना है सुनील, क्या आपकी उनसे कुछ बात हो पाई है? खुशबू, डॉक्टर जहां तक बात की जाए डॉक्टर दर्शन सिंह की, तो वह कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जांच में सब कुछ पता लग जाएगा। जांच खुशबू किस बात की जांच करिए, जो सामने जो मामला आया है इतना बड़ा मामला है, 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, और नसबंदी कहीं ना कहीं गलत तरीके से नसबंदी की गई, उसके चलते लापरवाही, बड़ी लापरवाही के चलते ये दोनों महिलाओं की मौत हुई है। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर प्रशासन है, जो सीएचसी प्रभारी है, उनकी लापरवाही ये बिल्कुल सामने आ रही है। चलिए, लगातार नजर रहेगी सुनील, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।